से यहाँ पर एक हमने देखा कि ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला है और भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में जो तैयारियां हैं तो उस हवाले से जानना चाहेंगे। उसमें एक किसी का तहलका मचा, शुरुआत में तो बहुत लोगों के मन में था कैसे होगा क्या होगा, और अब जैसे जैसे ये आखिरी पड़ाव की ओर आ रही है तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से इसका मतलब एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जो आपने खुद भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर तो दिल जान से इस यात्रा में हिस्सा लेंगे ही, मगर कांग्रेस पार्टी से बाहर भी बहुत लोगों में ये जोश आया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी इसी भारत जोड़ो में शामिल होने के लिए ज्वाइन भी की, और जो अभी ज्वाइन नहीं की दूसरी पार्टियां हैं जिनका अपना मंशूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआईएम हो, आपके जम्मू में कई सारे आउटफिट्स है जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस के साथ नहीं है, मगर सेकुलर सोच को देखते हुए उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि हम सारे लोग राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो में हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल से उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी ने जो मिशन चुना और जो उसका एजेंडा चुना, जो उसमें उन्होंने एक अपना जो मंशूर चुना है, वो इस वक्त तमाम देशवासी अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, अक्रॉस दिस कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, लोग उस मिशन को पसंद कर रहे हैं, लोग जोग दर जोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर आते आते एक अच्छा प्रदर्शन इस भारत जोड़ो में होगा, ये मुझे मिर्जा जिन कांग्रेस के सीनियर लीडर ने घर वापसी की, आप उसको किस मौके से देख रहे हैं? हमेशा वेलकम स्टेप है, मैंने जब कह दिया कि बहुत लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो 2 महीने पहले हमसे दूर हो गए थे, अगर उनको भारत जोड़ो का इम्पैक्ट जहन पर पड़ गया, उनको लगा कि मैं सही रास्ता राहुल गांधी का रास्ता है, तो मेरे ख्याल से हमें उसको वेलकम करना चाहिए, उसमें कोई जाति कोई रंजिश की बात नहीं है। दूसरी पार्टियों से जो दूसरे पार्टियों से थे आलू, जैसे खारी साहब जैसे बुजुर्ग साथी, ये लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपने हजारों के वर्कर्स के साथ में, ये अच्छा मिशन है और अच्छा मौका। लेकिन आजाद साहब का कहना है कि जो डीएपी से निकल गए, जो कांग्रेस के लीडर आए थे फिर वापस निकल गए, उनकी कोई साख नहीं है कंस्टिट्यूएंसीज में, और इसलिए उनको लगा कि खतरा है डीएपी में भी, और वो उनकी घर वापस। ख्याल से आजाद साहब जैसी कदावर शख्सियत को इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते। जब वो कांग्रेस से निकले तो यही लोगों को कोई पोज बना करके तो पूरे देश में गंभीर रखी था कि जो कुछ कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में था वो मैंने लिया, तब तो उनके लिए वो शाहसवार थे। अब जब अंदर जाकर उनको भी लगा कि वहाँ वो चीज़ नहीं है जो उन्होंने सोचा था, वापस आए, अब उनके बारे में वो कुछ कहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुनासिब उनके लिए। तो राजौरी का जिस तरह से अभी ढंग से देखा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने भी अपोज किया जो इजाफी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, एक तरफ से सरकार का कहना है कि मिलिटेंसी कई इलाकों में जीरो है, और दूसरी तरफ से जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की जा रही है फोर्सेस, तो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? और वीडीसी को फिर से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बदकिस्मती है लगातार 2 साल से आपने देखा 370 तोड़ने के बाद, स्टेट को तोड़ने के बाद में तमाम भाजपा के मंत्री जम्मू कश्मीर आकर यही देश को सुनाते रहे कि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल, अब जम्मू कश्मीर देश के साथ जुड़ गया, अब जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का तनाव नहीं, मिलिटेंसी नहीं, ख़त्म कर दिया, कोई आक्रोश नहीं। और दूसरी तरफ से आज भी वो वीडीसीज को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है कि जो 1992-93 में वीडीसीज की मतलब वजूद में लाने की ज़रूरत थी, आज वो फिर वही चीज़ महसूस करें। दैट मीन्स अगर मैं यही कहूँ कि हम वापस 90s के सिचुएशन में गवर्नमेंट के फैसले से लग रहा है, तो फिर उनके कथनी और करनी में अपने आप फर्क नज़र आ रहा है। एक तरफ अगर वो देश को गुमराह कर रहे हैं कि सब ठीक हो गया, दूसरी तरफ से बीडीसीज को हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बीडीसीज को रिऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और रोज़मर्रा के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हम वो चीज़ देश को कहें जो ज़मीनी सच्चाई। थैंक यू सर।